रामगढ़ उपचुनाव प्रचार का चुनावी शोर अब थम गया है। दरअसल 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर इस बार एनडीए और यूपीए आमने सामने है। सभी वादे और दावे जनता के समक्ष रख दिए हैं। अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर वोट देने की अपील भी करेंगे और इस बार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर इस बार यूपीए की ओर से बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 फरवरी से ही रामगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार तमाम चीजों को देख रही है, सरकार कई उपलब्धियां यहां पर की है, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ममता देवी ने अपने क्षेत्र के लिए काफी कार्य किए हैं, तो तमाम जो रामगढ़ की जनता है इस बार ममता देवी को जरूर वोट करेगी। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में उतरी तो है, लेकिन इस बार जीत का परचम सुनीता चौधरी ही लहराएगी। अब सभी लोगों ने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रहे कि इस बार सिंपैथी वोट यहां पर यूपीए नहीं ले पाएगी, एनडीए का जीतना तय है। बहरहाल दावे और वादे फिलहाल जनता के बीच में रख दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार सभा को संबोधित करते हुए कई बातों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर रामगढ़ की जनता किसे अपना प्यार देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 27 फरवरी को तमाम उम्मीदवारों का किस्मत का जो फैसला है ईवीएम में कैद हो जाएगा और तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ टिकी होगी कि आखिर रामगढ़ का जो नया विधायक है वो कौन होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप रांची। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप।